पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी तरह हर कसौटी पर खरी उतर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार में जहां गरीबों का कल्याण हुआ है, वहीं देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को प्रत्येक व्यक्ति एक उत्सव के रूप में मनाए व घर पर दिए जलाएं। पूर्व मंत्री नरबीर सिंह अपने जनसंपर्क अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव शाडराना व भांगरोला में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। लोगों ने राव नरबीर सिंह का फूलमालाओं, पगड़ी व स्मृति चिन्ह के साथ जोरदार अभिनंदन किया। निगम पार्षद राकेश यादव, कुलदीप यादव, धर्मवीर भी उनके साथ थे। लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा पिछले लगभग 10 वर्षों में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 से पहले के भारत और आज के हिंदुस्तान में दिन और रात का अंतर है, जिसका श्रेय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसलिए देश को विकास के शिखर पर ले जाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के हाथों को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए राव नरबीर सिंह ने कहा कि पिछली योजना में जब वे प्रदेश में मंत्री बने तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र सहित गुरुग्राम जिले में ऐतिहासिक कार्य कराए गए। भांगरोला में विश्वविद्यालय, फरुखनगर में सरकारी कॉलेज, बाईपास सहित जनहित के बड़ी सरकारी योजनाओं को मंजूरी दिलाई। वहीं क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं रहा जहां विकास कार्य न हुआ हो। सोना एलिवेटेड हाईवे, द्वारिका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम में अंडरपास व फ्लाईओवर सहित अनेक बड़ी परियोजनाएं मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंजूर कराई गई। साथ ही राव ने कहा कि आज भी मेरी जनसभाओं से उमड़ रही भारी भीड़ व लोगों के द्वारा मिल रहा समर्थन साफ बता रहा है कि उनका व प्रदेश सरकार के कार्यकाल से लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शाडराना गांव में आयोजित जनसभा में पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने हिमांशु को सीए बनने पर सम्मानित किया। शाडराना व भांगरोला के लोगों ने राव नरबीर सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों की दिल खोल कर सराहना करते हुए कहा कि 2014 से लेकर 19 तक क्षेत्र में विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना, फ्लाईओवर व अंडरपास, कम्युनिटी सेंटर, सड़कें सहित ऐसा कोई काम नहीं जो राव नरबीर सिंह के मंत्रीकाल में ना हुआ हो। पिछले 4.5 साल में विकास के कार्य काफ़ी कम हुए, जिसके चलते राव नरबीर सिंह को क्षेत्र की जनता याद कर रही है। सरकार बनी 2014 में हरियाणा का विकास हुआ। माननीय मनोहर
अहिरवाल से ज्यादा जो सरकार बनती है उसके विधायक बनते हैं, लेकिन सबसे काम का अहिरवाल के इलाके में होता है। लेकिन 2014 के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने प्रत्येक इलाके का, सारे जिलों का समान विकास किया, और उसका उदाहरण ये गुड़गांव है। जो गुड़गांव सबसे पिछड़ा रहता था, गुड़गांव जब हरियाणा बढ़ा जब 7 जिलों में एक जिला था, और आज हरियाणा में 22 जिले हैं, नए नए 15 जिले और बन गए। जो 15-20 साल पहले जिले बने उनमें भी विकास के काम हुए। विकास के काम इसलिए हुए कि जो मुख्यमंत्री बनता था वो दूसरे इलाके का बनता था, जहां जहां अपने जिले में काम करता था सारे का सारा पैसा, तकरीबन आधे से ज्यादा विकास का पैसा रिवेन्यू गुड़गांव से जाता, और गुड़गांव में विकास नाम की चीज नहीं होती थी। लेकिन 2014 के बाद आप नांगल चौधरी से टूटा हेडा तक देखिए, विकास के नाम पर कितनी आपकी सड़कें बनी, यूनिवर्सिटी बनी। ये गुड़गांव जो सबसे ज्यादा पैसा देता था, किसी सरकार ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने काकरौला में यूनिवर्सिटी बनाई। ये आपका ब्लॉक जो आपका भी गुड़गांव में है, पड़ोस में ब्लॉक अनुपनगर, गुड़गांव जिले का ब्लॉक कभी कॉलेज नहीं बनाया सरकार ने, कोई सी ने, और सभी दलों की सरकार है इसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुल्तानपुर में कॉलेज बनाया, खेड़ की माजरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, we